नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दही बड़े को हम गर्मी के समय अक्सर बनाकर घर में खाते ही रहते हैं और इसे पार्टी में भी सर्व किए जाते हैं और स्पेशली होली के समय तो बनते ही हैं घर में। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ घर पर परफेक्ट दही भले या दही बड़े कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो दही बड़ा बनाने के लिए हमें दही चाहिए, अपने ज़रूरत के अनुसार से लेंगे। और दाल, ये धुली हुई उड़द की दाल है। ये इसे रात भर मैंने पानी में भिगो कर रख दिए थे, या 3-4 घंटे के लिए भिगेंगे तभी चलेगा। तो देखिए इस तरह से फूल गई है ये दाल पूरी तरह से। अब इन्हें पीस लेंगे मिक्सी में और दही को मिक्सी में फेंट लेंगे अथवा चम्मच की सहायता से, कोई बीटर की सहायता से। देखिए ये दही जो मैंने आपके रेसिपी बताई थी वही दही है। देखिए कितनी मलाईदार है और ये गाढ़ी है। ये दही मैंने आधा यूज कर लिए हैं ये खाने में, तो ये बहुत ही गाढ़ी दही है। हम इसे ऐसे ही यूज करेंगे, पानी हमें निकालना नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं है। और तेल लेंगे बड़े तलने के लिए, वैसे किसी भी तेल में आप तल सकते हैं बड़े को। मैंने लिए हैं राइस ब्रांड का तेल, ये बहुत लाइट होता है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं, इसे काट कर दाल में पीसते समय डालेंगे। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। सबसे पहले दाल को पीस लेते हैं। इन सारे चीज़ों को मैंने दही बड़े के ऊपर सर्व करते समय डालने के लिए लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले दाल को पीस लेते हैं। तो दाल को पहले छान लेंगे, इस तरह कोई जाली की सहायता से छान लेंगे तो दाल में ज़्यादा पानी नहीं रहेगा, तो हमें पीसने में आसानी होगा और दाल में पानी ज़्यादा नहीं रखना है। तो अब इसे एक मिक्सी जार में डालकर और पीस लेते हैं। अदरक को भी काट कर रख लिए हैं, तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो देखिए मैंने दाल को पीस लिए हैं और दाल को बहुत बारीक और बहुत मोटा भी नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे, देखिए इस तरह का। तो चलिए इसे बॉल में निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे दाल को निकाल लिए हैं। अब इसे इस तरह हाथों की सहायता से 6-7 मिनट इस तरह से फेंटेंगे हाथों से, देखिए इस तरह से। इस तरह से फेंटते समय हमें दिक्कत हो तो थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लगाकर और इसी तरह से मसलते हुए फेंटेंगे, इस तरह से गोल गोल करते हुए, देखिए इस तरह से। इसी तरह से करते हुए इन्हें हम 6 से 7 मिनट फेंट लेते हैं। तो देखिए मैंने 7 मिनट के लिए फेंट लिए हैं इन्हें। अब एक टुकड़ा इसे एक कटोरी की में पानी डालकर और इस तरह से गिराएंगे तो ये तुरंत ऊपर उठना तैरना चाहिए। देखिए ये तैर रहा है, तो हमारा बैटर परफेक्ट है। अब हम इनसे बड़े तोड़ सकते हैं। तो चलिए गैस की तरफ इसे बड़े बनाते हैं। तो सबसे पहले गैस पर एक बर्तन में पानी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि हम बड़ा को तलकर पहले पानी में डालेंगे तो पहले से ही पानी प्रिपेयर होना चाहिए। तो पानी गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच हींग का पाउडर डाल दिए हैं। अब इस तरह से अब मिला लेते हैं। हींग और नमक डालने से इसमें बड़ा डालेंगे तो अंदर तक जाएगा इसका फ्लेवर। तो अब एक साइड में कर लेते हैं इन्हें और इसमें पैन रख कर तेल डाल लेते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं। तो अब तेल गर्म हो चुका है। अब हम इस तरह से थोड़ा सा हाथ में पानी लगाकर और इस तरह से बड़े तोड़कर इसमें डालेंगे और गैस का फ्लेम अभी लो कर लेंगे डालते समय, और इस तरह से सावधानी से डालेंगे तेल ऊपर ना आए। बड़े आप अपने साइज का बना सकते हैं, मैं अभी छोटे छोटे बना रही हूँ क्योंकि ये तेल में भी थोड़ा फूलेगा और पानी में भी। अब ब्रेक को डालकर थोड़ा सा गैस को मीडियम कर लेंगे और हल्के हाथों से इस तरह से तेल को चला लेंगे, बहुत ज़ोर से नहीं। इस तरह तेल को करने से बड़े फूलेंगे। अब एक पैचुला की सहायता से इस तरह से ब्रेक को चलाते हुए नीचे ऊपर कर देते हैं। अब ब्रेक को इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो अब ये ब्रेक गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, देखिए। तो अब इन्हें एक बड़े जाली में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। अब इन्हें एक गर्म पानी में जो हम हींग और नमक डाले थे इसमें डाल लेंगे इन्हें।
अब इन्हें एक साइड में रखकर ढक देते हैं और फिर से इसी तरह से सारे बड़े तोड़ लेंगे। अब इन्हें भी उसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो सारे बड़े को इसी तरह से तलकर तैयार करेंगे और पानी में डालते जाएंगे जितने हमें बनाना है। तो लीजिए, मैंने सारे बड़े को पानी में तलकर रख लिए हैं। अब इन्हें ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसी पानी में। 10 मिनट हो चुके हैं, बड़े फूलकर तैयार हो चुके हैं। अब पानी से निकाल लेते हैं इन्हें। तो आप चाहे तो इसे ऐसे ही प्लेट में निकाल ले, अथवा हल्के हाथ से थोड़ा सा पानी निचोड़ कर निकाल ले। तो मैं थोड़ा सा पानी निचोड़ कर निकाल लेती हूँ बड़े को। तो देखिए, मैंने सारे बड़े पानी से थोड़ा सा हल्के हाथों से निचोड़ लिए हैं और देखिए बड़े फूल कर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। मैं बहुत छोटे छोटे बनाए थे और बहुत ही स्पॉन्जी भी है, देखिए। तो अब ये बड़े सर्व करने के लिए तैयार है। और दही को भी मैंने एक बार मिक्सी में फेंट लिए थे। तो अब बड़े को सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए आप चाहे तो ये टोमेटो सॉस है, ये तीखी चटनी और ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है, इनके साथ भी सर्व कर सकते हैं। अथवा एक काला नमक, भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च के पाउडर से ही ऊपर छिड़क के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये बड़े रखेंगे एक बाउल में और इनके ऊपर दही डालेंगे। यदि आपकी दही बहुत खट्टी हो तो इसे फेंटते समय एक दो चम्मच चीनी डाल लीजिएगा तो दही सही हो जाएगी। तो अब दही डाल लिए हैं। अब इनके ऊपर ये चटनी, हरी चटनी से, और ये टोमेटो सॉस है, ये इस तरह से डाल लेंगे। और एक खट्टी मीठी चटनी इमली की, आप चाहे तो इसके ऊपर काला नमक और जीरा पाउडर लाल मिर्च डाले, नहीं तो नहीं डाले। तो अब इस तरह से दूसरे बॉल भी मैं दिखाती हूँ। इस तरह से दही डालेंगे और इनके ऊपर इस तरह से काला नमक और भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर इस तरह से डाल लेंगे। तो इस तरह से सर्व करेंगे बड़े को। और इन बड़ों को आप ढककर रख लीजिए और सर्व करते समय आप इसी तरह से सर्व कीजिए। तो दही बड़ा को आप चाहे तो इस तरह से सर्व कीजिए या इस तरह से, दोनों ही तरह के दही बड़े बहुत ही अच्छी लगते हैं। तो आप ये दही बड़ा बनाकर जरूर सर्व कीजिए। और इस होली तो जरूर बनता है बनाना, तो आप जरूर बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।